कोरोना महामारी से इस वक्त जहां पूरी दुनिया को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, वहीं भारत में ज्यादातर छात्रों पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। हम बात कर रहे हैं कुल्लू के आनी के छात्रों की, जहां पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई में भारी नुकसान हो रहा है। इस दौरान छात्रों ने सरकार से इंटरनेट सुविधा को मजबूत बनाने का आह्वान किया है। तो वहीं कोरोना महामारी में ऑनलाइन शिक्षा में आ रही दिक्कतों पर जनता टीवी संवाददाता विकास शर्मा ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से बातचीत की। इस दौरान उनका क्या कहना था, इस पर सुनिए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के बीच अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लगातार अपना काम करना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग में एक खाका तैयार किया गया है, जिसके तहत एक बार फिर से ऑनलाइन एजुकेशन को शुरू किया जा रहा है और बल दिया जा रहा है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज। भारद्वाज जी, शिक्षा विभाग ने अब ऑनलाइन एजुकेशन को एक बार फिर से शुरू किया है। पहले की जो अब रहा है कि पहले भी कई दिक्कतें उनका सामना करना पड़ा, आने वाले समय में ऐसी दिक्कतें ना हो, इसको लेकर क्या काम किए जाएंगे? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन देने में जो दिक्कतें हैं वो एजुकेशन विभाग की तरफ से नहीं, वो नेट की प्रॉब्लम रहती है, सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, ट्राइबल एरिया है, हिल एरिया है, फिर साथ ही साथ जो है वो बॉर्डर एरिया भी है चीन के साथ, कई स्थानों पर जो है उस कारण से भी नेट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है बॉर्डर के साथ में, और दूर दराज के गांव के क्षेत्र में जो है नेट जो है नहीं मिलता। फिर दूरदर्शन से जो हमने पढ़ाई शुरू की थी उसमें भी दूरदर्शन के सब चैनल्स सबको दिखाने चाहिए, ये कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकांश जो डिश की सर्विसेज हैं डीटीएच वाले वो दूरदर्शन को नहीं दिखा पाते हैं, तो इसलिए हम सप्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे से, ऑनलाइन एजुकेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा, साथ ही साथ जो है वो हमारे स्कूल के टीचर्स इत्यादि वीडियोज इत्यादि अपलोड करते हैं, उसके द्वारा एजुकेशन होती है। बहुत सारी जो है वो टू वे हमारे स्थानों पर वर्चुअल भी होती है। इसके अलावा हम कुछ नए भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी जो है वो हमको मैकेनिज्म प्राप्त हो जाए जहाँ वो ना हो सिग्नल या नेट, तब भी हम जो है वो शिक्षा दे सकें। दूरदर्शन से और ऑल इंडिया रेडियो को भी इसमें हम एंगेज करने का जो है वो प्रयास करेंगे। तो पहले हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन में 66% और सेकेंडरी में 72% रीच रही है, इस बार हम कोशिश करेंगे ज़्यादा हो। हालांकि इसमें दिक्कत इस बार आ सकती है, क्योंकि पहली जो हमने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की थी तब वो कोरोना लॉकडाउन का पीरियड था, जिसमें अभिभावक भी घर में थे और बच्चे भी घर में थे। अब क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई है, इसलिए अभिभावक जो हैं वो अब घरों में नहीं मिलते हैं, तो इसलिए बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन स्मार्टफोन मिलना जो है वो कई जगह प्रॉब्लम है, खास करके जो सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनके पास स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम अपने टीचर्स के द्वारा जो है वो सीधा जो है वो कंटेंट बच्चों तक पहुँचाएँ और उनको जो है वो पढ़ाई में जो है कहीं ना कहीं एंगेज करें। इसके अलावा खास तौर पर अब दाखिले शुरू कर दिए गए हैं, अब उसके लिए भी अभिभावकों को बुलाया जा रहा है या फिर आ सकते हैं ये कहा गया है, ऑनलाइन भी दाखिले शुरू कर दिए गए हैं। किस तरह का रहने वाला है आने वाला समय, क्योंकि अब स्कूल जो हैं वो ये तो आपने साफ कर दिया कि 31 जुलाई तक जो है बंद रहेंगे। देखिए, MHA की गाइडलाइंस हैं, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज जो हैं वो 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। उसके बाद जो गाइडलाइंस आएंगे उसके हिसाब से जो है वो प्लान जो है वो एग्जिट प्लान बनाया जाएगा। हम अगर आवश्यकता पड़े तो 5,500 स्कूल तो हमारे ऐसे हैं जहां पर 20 से कम जो है वो संख्या है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है, लेकिन जब तक आदेश जो है वो MHA के या MHRD के नहीं मिलते हैं तब तक स्कूल खोलना जो है संभव नहीं है। इसलिए हमने ऑनलाइन एजुकेशन जो है प्रारंभ की है और इसके लिए हमने अब एडमिशन भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 10th के भी और +2 के एग्जाम जो हैं वो बाकायदा पेपर्स लेकर के परीक्षाएं ली हैं और उसके बाद उनका रिकॉर्ड टाइम में हमने रिजल्ट भी घोषित किया है। अब हम
कॉलेज लेवल पर भी जो है वो फाइनल सेमेस्टर के जो मतलब या फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको बाकायदा एग्जाम लेकर के ही जो है वो रिजल्ट घोषित करेंगे, उसकी भी हमारी तैयारी है। तो एडमिशन्स भी हमने स्कूल में भी और कॉलेजेस में भी ऑनलाइन जो है वो हमने सबको कहा है ऑनलाइन की जाए। कॉलेजेस में हमारी बहुत सारे कॉलेजेस में ऑनलाइन होती है एडमिशन, लेकिन स्कूलों में कई जगह ये संभव नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमने कहा है टेलीफोन पर भी आप कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अभिभावक जो हैं वो स्कूल में वर्किंग डे में जाकर के भी ऑफलाइन कर सकते हैं। और अगर नहीं भी कोई कराएगा तो भी जो जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम उस विषय में जो है वो उनको चांस जो है बच्चों को देंगे, लेकिन क्योंकि स्कूल कॉलेजेस नज़दीक हैं इसलिए एडमिशन होना आवश्यक है, तो एडमिशन की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, जिनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में अब पूरी तरह से ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसको शुरुआत उसकी पूरी तरह से कर दी जाएगी, और ऐसे में जो दाखिले हैं वो भी अब शुरू होने वाले हैं, शुरू हो रहे हैं, और ऐसे में अब अभिभावकों को भी ये कहा गया है कि ऑनलाइन कोशिश करें कि दाखिले लें, अगर जाना पड़े तो प्रिंसिपल से बात करें, क्योंकि प्रिंसिपल को ही अधिकार ये दिए गए हैं कि अब जो शिक्षक हैं उनको कैसे बुलाया जाना है और आने वाले दिनों में अब कैसे पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूलों को खोला जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा एमएचआरडी और एमएचए के गाइडलाइंस का। कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।